आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, पोटर और पुटीर। पोटर और पुटीर की स्टोरी है, इसको पढ़ेंगे। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? कष्ट, सहिष्णुता, दृढ़ प्रतिज्ञा, संयम, संतर्पणिष्ठ, बड़ों के सम्मान करने वाली सीख देना। यानी यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। कष्ट, सहिष्णुता, दृढ़ प्रतिज्ञा, कि प्रतिज्ञा किस तरह से की जाती है, ली जाती है, संकल्पनिष्ठ और बड़ों के सम्मान करने की सीख देना, ये सब की हमें इस पाठ में सीख मिलेगी। पाठ प्रवेश, पोटर और कुटीर की दोहरी कथा वस्तु क्रमशः समस्या और समाधान दिखाकर एक दूसरे का पूरक बनती है, साथ ही कथानक में संतुलन बनाती है। पाठक को यह सोचने पर विवश भी करती है कि जीवन मूल्य ऐसी धरोहर है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है, अतः इसकी संभाल हमारा दायित्व है। यानी हम इस पाठ से हम ये सोचने पर विवश हो सकते हैं कि जो जीवन मूल्य है, हमारा जीवन जो है वो एक मूल्य की धरोहर है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों पर सौंपना है। यानी धीरे धीरे हमारे आने वाली पीढ़ी आने वाला समय बिताएंगी और उसके बाद उनकी आने वाली पीढ़ी जो है वो इस जीवन को आगे फॉलो करेंगी। तो पोटर के बारे में पढ़ते हैं। दोपहर का समय था, सूर्य अग्नि शलाकाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था। वृक्ष के पत्ते निष्पन्न थे, मानो किसी और भयंकर कांड की आशंका से सांस सी सादे खड़े गए। इसी समय अपने छोटे से पोतर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिता, बाहर की सहज स्निग्ध वर्षनी के वर्तमान भूखेपन की तरह वह स्वर कुछ नीरस था। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर सेटते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? है और क्या, प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। अब वो कहता है कि और तो कुछ नहीं है कि प्यास के मारे मेरी चोंच तक मेरे प्राण बाहर निकलने को आ रही है। बेटा, अधीर न हो, समय सदा एक सा नहीं रहता। अब वो अपने बेटे को सांत्वना देते हैं, एक तसल्ली देते हैं कि सब्र रखो, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यही तो मैं भी कहता हूँ, समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें पुराने समय के लिए थी, आप भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह बांदरी मरे बच्चे को चिपकाए रहती है। यानी वो कहता है कि ये तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि पुरानी बातें जो हैं वो भूल जानी चाहिए, समय कभी एक सा नहीं रहता और आप आज भी पुरानी बातों को इस तरह छाती से चिपकाए हुए रहते हैं जैसे बांदरी जो है अपने मरे बच्चे को चिपकाए रहती है। घनश्याम की बात आप जोड़ते रहिए, अब मुझसे यह नहीं सच सकता। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते, यही हमारे कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न तो किसी की मृत्यु हुई है और न कोई दूसरा अनर्थ। अब घनश्याम के सिवा वो किसी और का भी जल ग्रहण नहीं करते हैं, तो ये अंगे कुल का व्रत था और इसी व्रत के कारण अपने गोत्र में न तो किसी की मृत्यु हुई है और न ही किसी का कोई भी अनर्थ हुआ है। आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं कहता हूँ प्यास की इस यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या ही होगा। जहाँ से भी होगा मैं जल ग्रहण करूँगा ही। तो अब क्या था कि उसको पोटर को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। वो कह रहा था कि जो प्यासा हूँ मैं, उसकी जो यंत्रणा है उससे बढ़कर वो क्या ही होगा, और अब मुझे जहाँ से भी कहीं से भी जल ग्रहण करने को मिलेगा मैं ग्रहण कर लूँगा। चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा, मानो उसने उन अश्रव्य वचनों और कानों के बीच में कोलाहल की परिक्तक सी खड़ी कर देनी चाहिए। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख, अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसा है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं है। तो वो अपने बेटे को समझाते हैं कि धैर्य रखो, हमारी इसी व्रत के कारण जो है पानी बरसता है और धरती माता की जो गोद है हरी भरी होती है और हमें पानी पीने के लिए मिलता है।
और ये जो व्रत है ये नष्ट करने देने वाली व्रत वस्तु नहीं है। लाडले लड़के ने कहा, व्रत पालन करते हुए इतने दिन हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं है, गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सब सूख गए हैं, फिर सूर्य के और निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है। बेटा, पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है, इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी सुधा सहन करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। यहाँ वो अपने बेटे को समझाते हैं कि ये जो व्रत है ये एक निर्जला व्रत है और तुम्हें इसका पालन करना ही होगा। इससे क्या होगा कि वो भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए तुम्हें थोड़ी बहुत पीड़ा सहनी ही पड़ेगी। पिताजी, मैं थोड़ी सी शुदा से नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि शुदा ही शुदा सहन करता रहूं। वो कहता है कि थोड़ी सी पीड़ा से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं और परेशानी और झेलता रहूं। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूँ, देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ूंगा। घनश्याम को भी सोचना ही चाहिए था कि उनके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। ऋषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूंगी। तो उसने बताया कि मैं देवताओं का अभिशाप लेकर भी इसे तोड़ूंगा, लेकिन घनश्याम को भी ये सोचना चाहिए था कि इसके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं और वो उस चीज़ को देख ही नहीं रहे हैं। आदमी ने भी इन बातों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। तो फिर कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवाय और किसी का जल नहीं छूंगा। हमें क्यों इस तरह कष्ट सहे, आप चाहे रखें या छोड़े, मैं यह झंझट न मानूंगा। चातक ने देखा मामला बेढंग हुआ चाहता है, इस तरह न मानेगा। कहा, यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। अब वो अपने बेटे से पूछता है कि तुम ये बताओ कि तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। चातक पुत्र चुप, उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया था। मैं सोचता था जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उस प्रकार मैं भी पीऊंगा, पर वो वह प्रकार कैसा है ये उसकी समझ में नहीं आया था। यानी उनका बेटा जो था वो चुप हो गया, क्योंकि उसने इस बारे में अभी तक विचार ही नहीं किया था। उसने सोचा कि लाखों जीव जंतु जिस तरह से जल पीते हैं मैं भी उसी प्रकार से जल पी लूंगा, लेकिन उसके बारे में अभी उसे कोई भी समझ नहीं थी। लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा कमजोरी यही है। वह जानता था कि कमजोरी के ऊपर से ही आत्मरक्षा करना विजय की पहली सीढ़ी है। अपने लड़के की बात सुनकर चातक जो था उसे समझ में आ गया कि यही उसके बेटे की कमजोरी है और उसकी कमजोरी पर ही उसे आक्रमण करना चाहिए, क्योंकि तभी उसकी विजय हो पाएगी। बोला, चुप कैसे रह गए, बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। हिचकिचाकर अपनी बात सर ही खंड खंड करते हुए लड़के ने कहा, जहाँ से और दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से मैं भी करूँगा। अब इसने बहुत सोच समझ के थोड़ी देर बाद बोला कि जहाँ से बाकी सब जल लेते हैं और वहीं से ही मैं भी जल ग्रहण करूँगा। पिता ने कहा, पड़ोस में वह पोखरी है, अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहाँ जल पीते हैं, तुम वहाँ जल पी सकोगे, बोलो है हिम्मत। उसे पिताजी ने कहा कि पड़ोस में ही पोखरी है जहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी आदमी सभी जल पीते हैं, तो क्या तुम वहाँ से पानी पी सकोगे, बताओ है इतनी हिम्मत। जातक पुत्र को उस पोखरी के फ्रंट से ही फुरहरी आ गई, उसमें कितनी गंदगी है, सूखे पत्ते डंठल आदि गिरकर उसमें सड़ते रहते हैं, कीड़े कुड़कुड़ाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं, लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदे करने, कई बार थोसे पर भी वह समझ न सकता था। एक बार एक आदमी को अंजलि से पानी पीते देख उसने पिता से कहा था, देखो पिताजी ये कैसे घृणित जीव है। अवश्य ही उसने अपने व्रत का जिक्र उस समय नहीं किया था, परंतु उसके मन में उसी का गर्व छलक उठा था।
अब इस समय वह पिता से कैसे कहे कि मैं उस पोखरी का पानी पीऊंगा। तो क्या होता है कि जो उस पोखरी का पानी था वो बहुत ही गंदा था, उसमें सूखे सड़े हुए पत्ते पड़े रहते थे, कीड़े खिलमिलाते रहते थे, वो पानी बिल्कुल भी साफ नहीं था, जिसे सभी पशु पक्षी और आदमी लोग पानी पी रहे थे। तो एक बार एक आदमी जब उसमें अंधली से पानी भरकर पी रहा था, तो उसने अपने पिताजी से कहा था कि देखो कैसा घृणित जीव है। अवश्य ही उसे अपने व्रत का जिक्र उस समय नहीं किया था, यानी जब उसका व्रत नहीं था उससे पहले की बात है, तो उसके मन में उसका गर्व जो था चरक उठा था। अब इस समय वो अपने पिता से कैसे कह सकता था कि वो उस पोखरी का पानी पिएगा, क्योंकि उसे उस पोखरी के पानी से बहुत ही घृणा थी। चातक बोला, बेटा अभी तुम ना समझ हो, चाहे जहाँ से पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति, तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा। तो अब उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम चाहे जहाँ से भी पानी ग्रहण करो इस समय तुम ये सब बहुत ही आसान समझ रहे हो, लेकिन जब इसके लिए तुम बाहर निकलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये काम इतना आसान नहीं है। हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है, यानी हमारी प्यास ही है, करोड़ों लोग प्यासे हैं, और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति, तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा। चातक पुत्र इस समय अपने हट को पुष्ट करने वाली को युक्ति सोच रहा था। पिता की बात बिना सुने वह बोल उठा, मैं गंगा का जल ग्रहण करूंगा। अब जो था उनका जो बेटा था वो काफी हटी था और वो सोच ही रहा था वो क्या बोले। तो अब उससे बात बोलता है वो कि मैं गंगा का जल ग्रहण करूंगा। चातक ने कहा, गंगा जी तो यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर है, नहीं मानता तो जा, परंतु यदि तूने कहीं एक बूंद भी ली तो हमें मुंह नहीं दिखा रहा। चातक पुत्र प्रमाण करके फुर से उड़ गया। तो अब उसके पिताजी कहते हैं कि गंगा जी तो यहाँ से कम 5 दिन के उड़ान पर है, तो तू वहाँ पर कैसे जाएगा, और अगर नहीं मानता तो तू जा, लेकिन अगर तूने कहीं पर भी एक बूंद पानी की ली तो अपना मुंह मुझे मत दिखाना। इतना कह के चातक पुत्र जो था प्रणाम करके फुर से वहां से उड़ गया। कुटीर बुद्धन का कच्चा खरपैल का घर था, छोटी छोटी दो कोठरियां, फिर उन्हीं के अनुरूप आंगन और उसके आगे पौर। पुराना छप्पर नीचे झुककर घर के भीतर आश्रय लेने की बात सोच रहा था। जीर्ण शीर्ण दीवारें रोशनदान न होने के साथ में दरारों के दत्तक से पूरी करना चाहती थी। उस घर में और कुछ हो या ना हो, आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का एक वृक्ष था। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी जमीन पर उतरा। नीम की स्निग्धता तथा सघनता से चातक पुत्र को अपने निजी सहकार की याद दिला दिया। विश्राम पाकर भी उसके जी में एक बार एक प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न हुई। पक्की निबोरी की तरह उस वेदना में भी कुछ माधुर्य था। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो 3 दिन की सैर के बाद जो चातक पुत्र जो था वो यहाँ पर विश्राम के लिए रुका। यहाँ पर जो बुद्धन था वो नीम की छाव के नीचे एक चारपाई पर लेटा हुआ था, और यहाँ पर इस नीम के पेड़ की टहनी पर आकर चातक पुत्र जो है विश्राम करता है। अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी, फिर भी अभी कुछ देर पहले तक उसके पैरों में जीवन यात्रा की इतनी ही मंजिल तय करने योग्य शक्ति और मालूम होती थी। यानी उसकी अवस्था जो थी 50 के ऊपर थी, और वो है काफी वृद्ध महसूस करता था, काफी बूढ़ा था। एक दिन एकाएक पक्षाघात में उसे अचल कर दिया। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया। स्त्री पहले ही गत हो चुकी थी, यानी उसकी जो वाइफ थी वो बुद्धन की वाइफ जो थी वो पहले ही खत्म हो चुकी थी। घर में 15-16 वर्ष का एकमात्र पुत्र गोकुल ही अवशिष्ट था। तो अब घर में उनका 15-16 वर्ष का एक बेटा ही था गोकुल, और कोई भी नहीं था। उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे।
गोकुल एक जगह काम पर जाता था। काम करके प्रतिदिन संध्या समय तक लौट आता था। आज अभी तक नहीं आया था, इसलिए बुधन उसके लिए छटपटा रहा था। दोपहर आकाश में तारे चिटक आए थे। इधर उधर चारों ओर सन्नाटा था और घर में अकेला बुधन। तो आज उसका बेटा अभी तक काम पर से नहीं आया था, तो इसी वजह से जो बुधन था वो छटपटा रहा था। आकाश में तारे भी आ गए थे और चारों ओर काफी सन्नाटा था और घर में बुधन अकेला था। यद्यपि उसमें खाट से उतरने तक की शक्ति नहीं थी, तो भी उसका मन न जाने कहाँ कहाँ चौकड़ी बन रहा था। यानी उसके अंदर खाट पे से उतरने की भी हिम्मत नहीं थी और उसका मन चौकड़ी बन रहा था, व्याकुल था अपने बेटे, क्योंकि उसका बेटा जो है अभी तक वो घर नहीं आया था। गोकुल सवेरे थोड़े से चने खाकर काम पर गया था। बुधन के लिए भी कुछ चने और पीने का पानी यथास्थान रख गया था। तो गोकुल जो था वो सुबह सुबह कुछ चने खाकर गया था और अपने पिता के लिए भी थोड़े से चने और पीने का पानी की व्यवस्था करके गया था। आज खाने के लिए घर में और कुछ भी नहीं था। कह गया था शाम को मजबूरी के पैसों का आटा लाकर रोटी बनाऊंगा, परंतु आज वह अभी तक नहीं आया था। अनेक आशंकाओं से बुधन का मन चंचल था। दो समय आनंद की स्निग्ध शीतल छाया में शीतकाल के दिन की तरह मालूम भी नहीं होने पता और निकल जाता है, वही दुख की दाहक द्वारा में निदात के दीर्घ दिनों की भांति असाध्य होता है। रात बहुत नहीं बीती थी, परंतु बुधन को मालूम हो रहा था कि बरसों का समय हो गया। बार बार अपने कान खड़े करके रात के उस सन्नाटे में वह गोकुल के पद शब्द सुनने का प्रयत्न कर रहा था। तो यानी धीरे धीरे समय बीतता गया, वो अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहा था और हर बार एक अजीब सी आवाज से उसको ऐसा लगता था कि जैसे उसके बेटे गोकुल के पैरों की आवाज उसे सुनाई पड़ रही थी। बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई कि बाहर खुलने की आवाज सुनकर वह चौंक गया। बहुत देर बाद जब किरवान खुलने की आवाज आई तो वो चौंक गया। वास्तव में यह गोकुल ही था। उसने कहा, कौन? गोकुल बेटा, आज बड़ी देर लगाई। अब वो कहता अपने बेटे से कि आज तो तुमने बहुत ही देर लगा दी आने में। गोकुल धीरे से पिता के खाट के पास आकर रोने लगा। बुधन ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आज मजदूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? मजदूरी नहीं मिली फिर इतनी देर क्यों हुई? तो अब बुधन जो थे वो परेशान हुए कि तुम्हें मजदूरी नहीं मिली तो कैसे चलेगा, और अगर तुम्हें मजदूरी नहीं मिली तो फिर तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई? प्रकृतिस्थ होकर गोकुल ने उसे अपना हाल सुनाया। सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को खाली खड़ा मिला। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। सोचा, आज भगवान ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा, ओवरसीयर साहब आज खूब ज्यादा खफा है। इंजीनियर साहब काम देखने आए थे, जान पड़ता है काम देखने की जगह वे ओवरसीयर साहब को ही देख रहे थे। अन्याय का यह बोझ उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा। शाम को मजदूरी देने के समय भी साफ इनकार कर दिया, आज दाम नहीं दिए जाएंगे। अदालत के फैसले की तरह जिससे कहीं अपील नहीं हो सकती। तो क्या था कि जो उनके साहब थे, ओवरसीयर साहब जो थे, इन्होंने क्या किया, उस दिन उनसे बहुत अच्छी तरह काम लिया और उसके बाद शाम को मजदूरी देने से भी मना कर दिया। तो ऐसा लगा कि जैसे आज अदालत का ऐसा फैसला हुआ कि जहां पर कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। ओवरसीयर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट गए। गोकुल लौटा चला आ रहा था कि एक जगह इस रास्ते में कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। पास पहुंचने पर मालूम हुआ रुपए पैसे टपने का बटुआ है। उठाकर देखा तो काफी वजनदार था। वह सोच में पड़ गया, इसे खोलकर देखना चाहिए या फिर नहीं। तो जैसे ही गोकुल वापस आ रहा था वहां से, तो उसे क्या मालूम हुआ कि एक रुपए पैसे का बटुआ पड़ा हुआ था। तो उसे देखा और जब वो उसको उठाता है तो वो काफी वजनदार था। अब वो सोच में पड़ गया कि इसे खोलकर देखे कि नहीं देखे। उन्हें देखने का निश्चय ही उसे दृढ़ करना पड़ा। कौतूहल निवृत्ति करने के लिए इसने उसे टटोला। टटोलने पर मालूम हुआ रुपए हैं और बहुत कुछ भी। तो
जैसे ही उसने उसे टटोला तो उसे लगा कि बहुत सारे पैसे हैं और भी कुछ है। थोड़ी देर तक वह वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा, इसका क्या करूं। उसके पिता ने उसे अब तक जो सिखाया था उसने उसे इस बात को सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रख ले। अब उसे लगा कि उसके पिता ने उसे ये सब नहीं सिखाया है, तो वो उसके मन में ये ख्याल नहीं आया कि वो बटुए को अपने पास रख ले। वह यही सोच रहा था कि यह बटुआ किसका है। जब उसे मालूम होगा कि यह बटुआ खो गया है तब उसकी क्या दशा होगी, रुपये पैसे का क्या मूल्य है, यह बात वह कुछ दिनों में ही अच्छी तरह जान गया था। यानी उसे रुपये पैसों का ऐसा कोई वो नहीं था, क्योंकि रुपये पैसों का क्या मूल्य है वो उसने कुछ दिनों में ही जान लिया था। उस व्यक्ति की उस समय की दशा पर विचार करके वह इस प्रकार सिहर उठा मानो उसी का बटुआ खो गया हो। यानी वो उस तरह से परेशान था वो गुल जैसे मानो उसका खुद का ही बटुआ खो गया हो। उसे ध्यान आया कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाते हुए देखी थी, उस पर कान में मोती पिरोए सोने की बाली पहने हुए एक मैतो बैठे थे। संभव है यह बटुआ उन्हीं का हो और किसी के पास इतने रुपए होना आसान भी नहीं था। यह कुएं पर गाड़ी रोक कर उन्होंने पानी पिया होगा और आग जलाकर तम्बाकू भरी होगी। एक जगह आग जलाए जाने के चिन्ह मौजूद थे। उसने इस बात पर विचार भी नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा और वह दौड़ पड़ा। तो क्या था, उसने अनुमान लगाया कि आगे एक गाड़ी जा रही थी और उसमें जो व्यक्ति था वही होगा और वो यहाँ पर कुएं पर पानी पीने के लिए रुका होगा और कुछ आग जलाई होगी उसने तम्बाकू भरने के लिए, और उसे आगे पीछे कुछ नहीं देखा और वो उस गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ा। लगभग आधे घंटे के परिश्रम से वह उस गाड़ी के पास पहुंच गया। मोकुल ने हाँफते हाँफते पूछा, मैं तो तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया। मैं तो ने चौंक कर गाड़ी में इधर उधर देखा, साथ ही जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निस्पंद हो गए। मोकुल से महतो की वह दशा देखी न गई। बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न किया, यह तुम्हारा है। एक क्षण में ही जीवन और मृत्यु का दव दव सा हो गया, मानो बिजली के खटके ने प्रकाश बुझाकर फिर से उद्दीप्त कर दिया हो। महतो ने कहा, भगवान तुझे सुखी रखे भैया, इसे कहाँ पाया, रास्ते में पड़ा था, इसमें कितने रुपए हैं। महतो ने हिसाब लगा कर बताया, 42 रुपए, एक अटर्नी, एक घिसी हुई बेकाम भवन में 10 या 12 आने पैसे, एक कागज, एक चांदी का छल्ला। तो महतो ने बताया कि ये सब चीज़ें हैं। तो गोकुल ने बटुआ खोल कर रुपये गिने, सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर महतो की आंखों में आंसू भर आए, बोले, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसे उसका लोभ ना हो भैया, मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। जब महतो ने उनसे बटुआ लिया तो उन्हें मालूम हुआ कि इतने पैसे देखकर भी अगर किसी व्यक्ति को इतना लोभ नहीं हुआ तो मैंने इस तरह का आदमी अभी तक कोई भी नहीं देखा है। यदि किसी और को यह बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता, मेरा रोम रोम असीम दे रहा है, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। अब जो महतो था वो उन्हें बहुत ही आशीर्वाद देता है कि मैं अपने मन से हमेशा यही दुआ करता हूँ कि भगवान तुम्हें हमेशा सदा सुखी रखे। वह कहकर महतो ने बटुए से निकाल कर गोकुल को 2 रुपये देने चाहे। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे पापा ने किसी से भीख लेने के लिए मना किया है, मुफ्त के रुपए मैं नहीं लूंगा। महतो के सजल नेत्र विस्मय से खुले ही रह गए। वो कुछ थोड़ी ही देर में उस अंधकार में उनकी आंखों से ओझल हो गया। सब वृतांत सुनाकर वो कुल अपराधी की भांति खड़ा खड़ा बोला, पापा आज खाने के लिए कुछ नहीं है, महतो से कुछ उधार मांग लाता तो सब ठीक हो जाता। अब वो परेशान था और अपने पापा से कहता है कि आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर मैं महतो से कुछ पैसे उधार मांग लाता तो ठीक रहता, मेरी समझ में यह बात उस समय नहीं आई। यानी जब वो उसे पैसे दे रहे थे इसके लेने से मना कर दिया था, तब उसके बाद समझ में ये बात नहीं आई कि आज उनके पास पैसे नहीं है तो आज वो कुछ खा नहीं सकेंगे, तो उसको ये बात समझ में नहीं आई कि वो कुछ पैसे उनसे उधार ले लेते हैं। बुतर की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उसने छाती से लगा लिया।
आनंदित रह गए, उसका कंठा अवरोध कर दिया। उसे मालूम हुआ कि उसके क्षुधित और निर्जीव शरीर में प्राणों का संचार हो गया है। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह दो एक दिन की तो बात ही क्या, जीवन भर की रुदा शांत कर सकती है। अब वह बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता है। बड़ी देर में अपने को संभाल कर बुद्धन बोला, अच्छा ही किया बेटा बुद्ध, मैं तो सिर्फ रुपये उधार नहीं लाया। यह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता है। भगवान ने तुझे ऐसी बुद्धि दी है, मैं तो यही देखकर निहाल हो गया। दो एक दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी के टेक नहीं छोड़ना। तो वहां पर चातक जो था वो मेघ के सिवाय किसी और का जल नहीं लेता था और अपना व्रत नहीं तोड़ता था, तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी जो गोकुल था वो इतना ईमानदार था, वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ सकता था। तो मुझसे मालूम हो गया, यह तो मुझसे भी अच्छी तरह जानता है, फिर भी कहता हूँ सदा ऐसे ही मति रखना। तो वो अपने बेटे को आशीर्वाद देते हैं बुद्धन कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही रहना, इसी तरह की बुद्धि के साथ रहना। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति पड़े अपनी नीयत न डुलाना, यानी किसी भी मुश्किल में पड़ जाओ लेकिन कभी अपनी नीयत को डूबने मत देना। ऊपर चातक पुत्र सुन रहा था, उसकी आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे। बड़ी कठिनता से वह रात बिता सका और फटते ही वह बड़े सवेरे फिर उड़ा, परंतु आज वह विपरीत दिशा को चला, उसी दशा को जिधर से वह आया था। तो जब ये सब कहानी चातक पुत्र सुन रहा था तो उसे सुनने के बाद उसके मन में आया, तो अगले दिन सवेरे जब वो उठा तो अब वो फिर से सुबह सुबह सवेरे वहाँ से उड़ने लगा, लेकिन अब वो अपने विपरीत दिशा की तरफ जा रहा था, वही दिशा में जहाँ से वो आया था। उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई थी, फिर भी अपने कोटक तक पहुँचने में 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए। उसकी उड़ान जो थी वो पहले से और भी तेज हो गई, तो अब क्या था, अपने कोटक पर पहुँचने में उसे 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए थे। दूसरे दिन से ही मेघों ने उठकर ऐसी खड़ी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुककर ही वह वहां तक पहुंच सका। तो दूसरे ही दिन जो बादल जो थे वो उन्होंने इस तरह से फैल गए कि बीच बीच में कई जगहों से रुककर जाना पड़ा। तो यहाँ क्या था कि यहाँ चातक की और बुद्धन के पुत्र गोकुल की ईमानदारी के बारे में हमें पता चलता है, यानी वो इतने ईमानदार थे कि उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया और उनके अंदर एक संयम था, उनके अंदर इंतजार करने की क्षमता थी और किसी भी परेशानी में उनकी नीयत खराब नहीं होती थी। तो ये पाठ से बच्चों हमें यही सीख मिलती है। अभी हमारा चैप्टर खत्म होता है यहीं पर, हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।